जिसे आज भी नीति निर्माता पढ़ते हैं और अपनी राजनीति की धार तेज करते हैं, तो हम चलते हैं उसी चाणक्य के पास। आप तैयार हैं? आपका सवाल है चांद का कुर्ता, इसके लेखक एक बिहारी है। चांद का कुर्ता, इसके लेखक एक बिहारी है। ये बिहारी कौन है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामदेव झा या डी शिव नाथ सिंह। रामधारी सिंह, रामधारी सिंह का जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। तो ये चाणक्य है जिसने ये कहा था कि एक सम्राट कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक अगर चाहे तो ऐसे सम्राट हजारों पैदा कर सकते हैं। तो वो महान चाणक्य ने सही जवाब दिया और ये रामधारी सिंह दिनकर के लिए इनको 10 अंक मिलता है। और हम चलते हैं आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, जो दुनिया को सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। हालांकि उस समय दुनिया ने इनके थ्योरी को नहीं माना था। तो आर्यभट्ट, आपका सवाल। और हम चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए ये बालक हैं, इसलिए और बिहार, तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री, समझ गए? तो अब इनका जवाब हम जानेंगे। ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी सतीश प्रसाद सिंह, सी जगजीवन राम या डी सर गणेश दत्त। बताइए। सर गणेश दत्त। सर गणेश दत्त तो बेहतरीन, और इनको 10 अंक मिलता है, इन्होंने सही जवाब दिया। और अब आखिरी सवाल इस राउंड का, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आप तैयार हैं? तो आपका आखिरी सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, समझ लीजिए बातों को। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? और जो भी थे ये भी आपके बिहारी थे, तो उनका नाम आपको चुनना है। ए जयप्रकाश नारायण, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी जयपाल सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लॉक नहीं करेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने लॉक किया है। हालांकि वो भी बिहारी थे और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। और हमने इनसे पूछा था भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो अस्थाई नहीं होते, इन्होंने कहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष महान बैरिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये शुरुआत हुई है, यानी आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो आप इस क्विज कार्यक्रम को बड़े ही शांति ढंग से देखिए, आपका सहयोग, समर्थन, समर्पण मिलता रहेगा तो ये क्विज आगे चलते रहेंगे। लेकिन बीच बीच में आपके मनोरंजन के लिए भी और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए भी, बच्चों की कला को निखारने के लिए भी, एक से एक आपके बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपके बीच नृत्य कार्यक्रम, बच्चों बच्चे अपना जौहर दिखाएंगे आपके बीच। जिस तरह अभी आपने देखा था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो उसी जौहर के लिए, उसी अद्भुत कार्यक्रम के लिए हम अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हम अपने विजय प्रताप सर को आमंत्रित करते हैं। आइए।